लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा के माथे पर सियासी शिकन नजर आ रही है। भाजपा में लंबी चौड़ी नेताओं की फौज को साधना हाईकमान के लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लोकसभा टिकट के दावेदारों में भाजपा के मौजूदा सांसदों के अलावा प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस बार शामिल हैं। उधर भाजपा एक एक सीट पर सर्वे करके यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। भाजपा ही सर्वे के आधार पर नेताओं को तवज्जो दे रही है। हाईकमान के दूत हर जिले में जाकर लोकसभा टिकट के दावेदारों की हैसियत आंक रहे हैं। मौजूदा सांसदों की जनता में छवि और कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप की गोपनीय जानकारी भी हाईकमान जुटा रही है। दरअसल भाजपा इस बार कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है। ऐसे में भाजपा के कई मौजूदा सांसद टिकट कटने की आशंका से दूसरे दलों में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। उधर सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा के खेमे में सेंध लगाने का लंबे समय से प्रयास करते रहे हैं। भाजपा के सांसदों के इस बार टिकट कटने की सुगबुगाहट के बीच कुछ मौजूदा सांसद दल बदल कर सकते हैं। चर्चा है कि चुनाव आने तक कुछ मौजूदा सांसदों समेत टिकट की चाह रखने वाले नेता दूसरे दलों का रुख कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ऐसे मौका परस्त नेताओं से धोखा खा चुकी है, लिहाजा इस बार भाजपा फूंक फूंक कर सियासी कदम उठा रही है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा हर जिले में सर्वे कराने में जुट गई है। सर्वे में मौजूदा सांसदों के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। संगठन सूत्रों के मुताबिक सर्वे के शुरुआती दौर में कुछ सांसदों के रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब मिले हैं। इनमें अवध, काशी, गोरखपुर और पश्चिम क्षेत्र के कुछ सांसद शामिल हैं। उधर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के चलते भाजपा इस बार कई सीटों पर महिला उम्मीदवारों के उतारने पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही भाजपा पर सहयोगी दल सपा, अपना दल और निषाद पार्टी को सूत्रों का कहना है कि फिलहाल मौजूदा सांसद अपना टिकट सुनिश्चित करने की लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में वे लोकसभा चुनाव में टिकट की घोषणा का इंतजार कर सकते हैं। टिकट न मिलने पर वह पाला बदलकर सपा, बसपा या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी ऐसे लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है।